हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। शुरू करते हैं यहाँ से कि कोरोना है क्या। कोरोना जनरली एक वायरस का नाम है जो कोविड-19 नाम का डिज़ीज़ फैला रहा है। तो कोरोना एक्चुअली में एक वायरस है जिसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, चाइना में वुहान नाम की जगह पर। इसके पीछे काफ़ी सारे तर्क दे रहे हैं लोग। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये किसी लेबोरेटरी में बनाया गया है जिसका अभी तक कोई एविडेंस सामने नहीं आया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये किसी नॉन ह्यूमन सोर्स में रहता था जिसने अपना सोर्स अब ह्यूमंस को बना लिया है और क्लोजली लिंक कर रहे हैं उसे बैट से, चमगादड़ों से, लेकिन उसका भी कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। तो बेसिकली श्योर है ही नहीं हम ये आया कैसे है, लेकिन जैसे भी आया है अब ये पैंडमिक बनता जा रहा है, यानी एक महामारी का रूप धीरे धीरे लेता जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि चारों तरफ पैनिक है। जिस कंट्री में देखो पैनिक है, और हो भी क्यों ना, आखिरकार ये पैंडमिक बनते जा रहा है धीरे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पैनिक एक्चुअली में फैला क्यों। पैनिक फैलने के दो रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है, इसका कोई मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है, कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन इसके लिए अभी तक अवेलेबल नहीं है, ना ही डॉक्टर्स अभी तक इजाद कर पाए हैं। और दूसरा रीज़न ये है, जैसे हमें पता है कि इसका कोई वैक्सीन या कोई भी मेडिकेशन, कोई दवाई, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्टर्स भी आपको रिलीव करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कोरोना वायरस का कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, तो इसीलिए पैनिक है कि डॉक्टर्स भी आपको कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वो आपको लिक्विड डाइट दे सकते हैं और थोड़ा रिलीफ पहुंचा सकते हैं आपके सिस्टम को, उसके अलावा डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पैनिक हाहाकार मचा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि पैनिक ही सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग परेशान हो रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोना का नेचर। नेचर मतलब क्या, कैसे फैलता है, क्या है कोरोना। एक्चुअली कोरोना एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, जो एक को इन्फेक्ट करता है तो एक से दूसरे में फैलता है। तो अगर आपको अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करना है तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप बढ़ा लें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ना जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कौन इन्फेक्टेड है। क्यों नहीं पता, क्योंकि इसके सिम्टम्स दिखाई देने में ऑलमोस्ट 5 डेज लग जाते हैं, 1 दिन से लेकर 14 दिन तक लग सकते हैं, लेकिन 3 से 5 दिनों में आपको इसके रिजल्ट्स दिखने चालू होते हैं, जो कि धीरे धीरे सीवियर होते जाते हैं, ठीक है। तो सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, आप घर से बाहर ना निकलें, ठीक है। पैनिक नहीं करना, घर पर बैठ के आराम से नेटफ्लिक्स पर अपने शोज़ देखिए, सब्सक्राइब कीजिए नेटफ्लिक्स और चिल कीजिए, कुछ भी करिए, वीडियो गेम्स के लिए जो भी आपको पसंद है वो कीजिए, कॉल पे बात कीजिए, किसी से बात करनी है कनेक्ट करना है तो, ठीक है। तो पहला स्टेप है सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाना, क्योंकि कोरोना का नेचर ही ऐसा है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेट कर सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, ठीक है। तो यहाँ मेरे को है तो मेरे से किसी और को भी फैल सकती है, ठीक है। तो कोरोना नहीं एक्चुअली डिजीज़ का नाम कोविड-19 है। तो कोविड-19 ट्रैवल कर सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, सांस के थ्रू, अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है उसके थ्रू। बट ये देखा गया है कि लिविंग सेल्स में ये रेप्लिकेट करता है खुद को, मतलब बढ़ते जाता है। लेकिन अगर लिविंग सेल ना हो, नॉन लिविंग हो, जैसे कोई मेटेलिक सर्फेस हो, मेटेलिक सर्फेस के अलावा कोई वुडन सर्फेस हो, या ऐसे नॉन लिविंग सर्फेस हो, तो उस पर ये 8 से 12 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके पीछे एक चीज़ हम आपको लास्ट में बताएंगे वीडियो की, तो लास्ट तक वीडियो आपको देखनी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। चाइना में पिछले 24 आवर्स में एक भी केस नहीं आया है कोरोना वायरस का। आज के डाटा के हिसाब से कोरोना वायरस का लास्ट 24 आवर्स में चाइना में कोई भी केस नहीं आया है। लेकिन अगर बात की जाए इटली की, तो 627 केसेस आ चुके हैं कि लोगों की मौत हो गई है, पीपल हैव डाइड। तो 627 लोग अगर 24 घंटे के अंदर मर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा डाटा है। आप समझ सकते हैं कि
इसका आउटब्रेक इतना ज़्यादा हुआ है, मतलब एक्सप्लोजिव है इसका नेचर, एकदम फैलता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हल्के से भी सिम्टम्स नज़र आते हैं अपने अंदर कोरोना वायरस के, तो आपको घर में बंद हो जाना है। बंद हो जाना है मतलब एकदम लॉक नहीं कर लेना अपने आपको। क्या करना है अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना हो सकता है, COVID-19 से आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है ये हम समझेंगे। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको सर्दी, बुखार, खांसी या फ्लू वाले लक्षण कोई भी लग रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं आपको कोरोना वायरस हो। क्यों? क्योंकि ये फ्लू का सीज़न चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना वायरस हो। वो जनरल फ्लू भी हो सकता है, आपकी तबीयत ख़राब हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है, तो हो सकता है वेदर चेंज की वजह से हो। लेकिन अगर आगे जाके आपको कुछ सीवियर चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर चेस्ट पे पेन या प्रेशर लग रहा है, या फिर आपके लिप्स और फेस ब्लूइश हो रहे हैं, नीला हो रहा है, खून कम ट्रेवल कर रहा है फेस में, लिप्स पे, तो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपकी बॉडी बहुत वीक हो गई है और शायद आप इन्फेक्ट हो चुके हैं कोरोना वायरस के एक अच्छे लेवल से। तो बेसिकली हमें ध्यान क्या रखना है कि ये उन्हें असर ज़्यादा कर रहा है जो ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे डायबिटीज़ वगैरह, या फिर जो ओल्ड एज में हैं, जो बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या टाइम देते हैं खुद को, अपनी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन या योगा करके, तो आपके अंदर कोरोना स्प्रेड होने के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं। और अगर होता भी है तो चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं कि आपको कोरोना वायरस होगा, और होगा भी तो बहुत जल्दी आप रिकवरी ले लेंगे। रिकवरी लेना बहुत सिंपल है, इससे बहुत सारे लोग रिकवर कर रहे हैं, और बहुत ही कम लोग हैं जिनको ये केस सीवियर हो गया है, जिन्हें निमोनिया हो गया है, या फिर कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हो रही है, जिनकी मौत हो गई है। तो इटली जैसी कंट्री से हमें सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने शुरू में कंट्रोल नहीं किया, सब कुछ मजाक में रखा, और आज वो इस हाल पे हैं कि 24 घंटे में उनके 627 लोग मर चुके हैं। अभी इंडिया में ये स्टेज 2 पे है, मतलब उन्हीं लोगों में है ये जो बाहर से आए हैं, या फिर जो लोग उन बाहर से आए हुए लोगों के कॉन्टैक्ट में हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको 1% भी डाउट होता है कि आप इन्फेक्टेड हैं, तो आप क्या करें। अगर आपको बिल्कुल भी ज़रा सा भी इतना सा भी लगता है कि आप इन्फेक्टेड हैं, तो सबसे पहला काम आप जो करें वो है हाथों को प्रॉपरली धोना। ये तो आप तब भी कीजिए अगर आपको नहीं लगता कि आप इन्फेक्टेड हैं। ये नहीं कि आप हर वक्त हाथ धोइए, 1 घंटे के ड्यूरेशन पर आप धो सकते हैं, या फिर जब आप कोई बाहर जाते हैं, बाहर से कोई सामान घर में लाते हैं, या कोई चीज़ टच करते हैं, जूते चप्पल बाहर रखते हैं, या ऐसे कुछ भी करते हैं, तो आप ज़रूर धोइए। वरना 1-1.5-2 घंटे अगर आप ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे, लेटे हुए हैं मस्त, तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ देर पर हाथ धो सकते हैं, जो कि एक अच्छी हैबिट है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत हो सकती है आपको, या कोरोना स्प्रेड हो रहा है, या मन में वहम आ रहा है आपके, या आपको भी कुछ लग रहा है, सर्दी खांसी बुखार, गले में अजीब सा, थ्रोट में, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है। लिस्ट आप नोट कर लीजिए सुन के। पहला काम जो आपको करना है, सबसे पहले तो अपनी बॉडी को, हाथ वगैरह को धो के रखें, रोज़ नहाएं। पहला पॉइंट ये है कि रोज़ नहाएं, अपने हाथों को साफ रखें, क्योंकि इन्हीं से आप हर जगह टच करते हैं, और आप अपने मुंह को, आंखों को मसलना, ये सब करना बंद ही कर दीजिए अभी के टाइम में, अगर आप बाहर जाते हैं तो। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उससे टच में रह सकते हैं। लेकिन अभी डॉक्टर्स भी बहुत बिजी हैं, तो अगर कोई फैमिली डॉक्टर है, या कोई स्टूडेंट है जो आपका फ्रेंड है और पढ़ाई कर रहा है ऐसी कुछ डॉक्टरी की, तो आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा
आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक वॉशरूम्स या कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर पब्लिक गैदर हो, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में ना जाएं, जिसके लिए तो गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर्स निकाल दिए हैं अब कि आप रेस्टोरेंट से खाना तो ला सकते हैं घर पे, लेकिन वहाँ बैठ के नहीं खा सकते हैं। तो और आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पेट्स से कांटेक्ट कम कर दें, मिनिमम से मिनिमम कांटेक्ट रखें पेट्स से, खासकर अगर वो बाहर जाते हैं एक बार दिन में घूमने तो। उसके अलावा आप अपने पर्सनल आइटम शेयर करना एकदम बंद कर दीजिए, एकदम ही बंद कर दीजिए। अपने टॉवल्स, ब्रश वगैरह को दूसरों के ब्रश के साथ ना रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स के ब्रश के साथ। उसके अलावा सबसे ज़रूरी काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आप कर सकते हैं वो है मास्क पहनना। मास्क पहनना कैसे ज़रूरी हुआ? आप तो उस हाथ से छू देंगे या मास्क हटाएंगे तो चीज़ें फिर फैल जाएंगे, जो भी आपके मन में विचार होंगे बहुत सारे। लेकिन मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप इन्फेक्टेड है तो आप इन्फेक्टेड ही हैं, लेकिन वो मास्क क्या करेगा, आपकी स्नीज को, कफ को एयर में ट्रेवल करने से रोकेगा, और रोकेगा तो क्या होगा, दूसरे लोग उससे अफेक्ट नहीं होंगे। तो अगर आपको 1% भी डाउट है तो आप मास्क खरीद लीजिए अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए, और सबको मास्क पहनाइए। उसके बाद उनसे जनरली मिलिए, हाथ लगातार धोते रहिए। तो गवर्नमेंट ने कुछ नंबर्स अलॉट किए हैं जिस पे आप कोरोना वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कर लीजिए, बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगर आपको विजिट करना है तो कॉल करके अपॉइंटमेंट ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपको पता है शेड्यूल कितना टाइट है। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है अपने ऊपर तो आप वेट कर सकते हैं, अपने आप को घर में रखिए, मास्क पहनिए और कुछ दिन वेट करके देखिए। अगर कंडीशन सीवियर होती हैं तो भी आप डॉक्टर को विजिट कीजिए, अगर नहीं होती हैं तो चांसेस हैं कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो पहले से ही बहुत टाइट शेड्यूल में हो, या फिर आप वहाँ जाके ना कोरोना कैच कर लें हॉस्पिटल में जाके। वैसे सबको सेपरेट रूम मिलता है, बट स्टिल देर आर चांसेस कि आपको एक रिस्क फैक्टर आपका बना रहता है। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स बहुत ही इमरजेंसी वाले केस में विजिट कीजिए कि डॉक्टर्स पे भी स्ट्रेस ना पड़े, और मास्क का यूज़ ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कोरोना के लिए निकाली है। गूगल पे आप सर्च करके इजीली वो हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं। तो वीडियो के एंड में हम बताने वाले थे कि जनता कर्फ्यू क्यों बेनिफिशियल है। जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि जनता कर्फ्यू कल के दिन यानी संडे को 22 तारीख को होगा, तो क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि हमने अभी देखा कि कोरोना वायरस नॉन लिविंग चीज़ों पे, मेटल्स पे, वुड, इन सब चीज़ों पे, मेटल्स और नॉन मेटल्स पे 8 से 12 घंटे सर्वाइव करता है। अगर आप घर में स्टे करते हैं अपने पूरे दिन रात तक, तो चांसेस हैं कि जो वायरस के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स बाहर फैले हुए हैं वो मर जाएं, और जो डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करने के लिए, जो भी लोग अपना जान पे खेल के, अपनी जान रिस्क में डाल के आप लोगों की भलाई कर रहे हैं, अपने जॉब पे हैं, ऐसे सिचुएशन में भी, उनके लिए 5 बजे प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, 5 बजे अपने घरों की बालकनी में या गेट से बाहर आकर थालियाँ या तालियाँ, जो भी आप बजा सकें, चीयर कर सकें, वो इतनी ज़ोर से करें कि आवाज़ें हॉस्पिटल तक पहुँचें, आपके घर के निकट अस्पताल तक आपकी आवाज़ें पहुँचें। तो यहीं ये वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चली होंगी इस वीडियो से, कि अगर आपको करोना जैसा कुछ फील हो रहा है तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इन्फेक्टेड हैं तो अपनी चीज़ों को धोएं ज़रूर गर्म पानी से। जैसा कि हमें पता है कि गर्म पानी काफ़ी सारे जर्म्स को मार देता है, तो अपनी चीज़ों को वार्म वाटर से या थोड़ा हॉट वाटर से धोना प्रेफर करें। थैंक यू। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर कुछ नया पता चला तो आप कमेंट्स में बताएं, और अगर आप ये सब पहले से ही जानते थे तो भी कमेंट्स में बताएं।